जनपद में 4 फरवरी से 9 विधानसभा के लिए शुरू हो रहे नामांकन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि जनपद में 4 फरवरी को 3 मार्च के मतदान के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। उसके लिए कलेक्टर परिसर में 9 न्यायालय बनाए गए हैं, क्योंकि जनपद में 9 विधानसभा है तथा उन सभी न्यायालय में 9 विधानसभा के प्रत्याशी 4 फरवरी से नामांकन करेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में 3 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी तथा कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों को शांतिपूर्वक नामांकन करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और साथ ही परिसर में पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि पूरी नामांकन प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में संपन्न होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, अब आप अपना देखिए कि कैसे लेके सर नामांकन प्रारंभ हो रहा है, इसलिए क्या तैयारी? कल 4 तारीख से 11 तारीख के बीच 3 मार्च के इलेक्शन के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न करानी है, जिसके लिए सभी नॉमिनेशन कक्षों का आरक्षण सुदृढ़ीकरण काम किया गया है। वहां सुगमता से प्रत्याशियों को अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के लिए व्यवस्था की गई है। पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती का प्रबंधन किया गया है, मीडिया के लिए प्रबंधन किया गया है और साथ ही साथ माननीय आयोग के निर्देश के क्रम में सभी कर्मियों को और अधिकारियों को प्रशिक्षण किया गया है। सीसीटीवी लगाया जा रहा है? हाँ, पूरी प्रक्रिया कैमरा के कैद में रहेगी और लगातार इसमें निगरानी की जाएगी। सारे अभिलेख जो आने न्यायालय के निर्देश क्रम में पोर्टल पर अपलोड करने, उसका भी व्यवस्था की गई है।